ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَتَذَرُونَ الْأَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, आज जुमातुल मुबारक है, यौमुल जुमुआ, और इस्लामी और दीनी मजहबी तारीख आज माह शव्वालुल मुकर्रम 1443 हिजरी की आज 25 तारीख है और अंग्रेजी महीना आज मई 2022 के आज 27 तारीख है। रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हुआ और फिर शव्वाल का पहला जुमा आया, जिसमें एक ख़ास मज़मून है 6 रोज़ों का।
शव्वाल के 6 रोजों का वो बयान हुआ और उसके बाद से मैंने ये सिलसिला के जो रजब के महीने में छोड़ दिया था, मौकूफ़ कर दिया था, फिर मैंने उसको शुरू किया शव्वाल के 2रे जुमे से। और आज शव्वालुल मुकर्रम का आखिरी और 4था जुमा है। मैंने ये आयतें गुज़श्ता 2 जुमों में भी पढ़ी थी। गुज़श्ता जुमा एक बात ऐसी आ गई कि वो एक पूरा वक्त उसमें लग गया और मैं इसको वक्त का ज़ाया होना नहीं समझता। मैं अपनी सलाहियतों के झंडे नहीं गाड़ना चाहता और गाड़ने का मेरे पास मादा ही नहीं है, न मुझे अपनी सलाहियतों का इजहार करना है न उसका लोहा मनवाना है। अल्लाह ताला मुझे जितना वक्त भी मेरा रह गया है इस दुनिया में, इस कायनात में, अल्लाह ताला मुझे दीन की बात कहने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की सलामती अता फरमाए। और जितने हजरात मेरे सुनने के लिए आते हैं, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी ने वो तरक्की कर ली कि आज लोग अपने घरों में बैठ के भी सुन लेते हैं, औरतें सुनती हैं, बहुत से मर्द हजरात सुनते हैं, बहुत से खुतबा सुनते हैं। बाज़ खुतबा ये बताते हैं कि हमारा जुमा तो 2 बजे ख़त्म हो जाता है, किसी का 1:30 बजे ख़त्म हो जाता है, किसी का जितने बजे भी, बस उनका ये है कि वो अपने जुमे से फारिग हुए और फिर वो मोबाइल पे जो ये लाइव सिलसिला है, और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये वसाइल अता फरमाए हैं। तो ये लाइव प्रोग्राम जाता है, इससे भी बहुत मुसलमानों को फ़ायदा है। अल्लाह ताला उनके फ़ायदे को मेरी नजात का ज़रिया बना। बहरहाल ये आयतें मैंने पढ़ी थी और मैंने ये ज़िक्र किया था कि इसमें नबियों और पैगंबरों का ज़िक्र आ रहा है पीछे से सूरह साफ़ात। एक नबी का नाम पहले जो गुज़रा था वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है। और उनके फौरन बाद जिस नबी और पैगंबर का ज़िक्र था उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था और वो अच्छा ज़रा तफसीली था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो नबी और पैगंबर जिनका ज़िक्र आया वो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून, दोनों भाई, इनका भी ज़िक्र आया। और फिर अब जो ज़िक्र है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का है। मैंने गुज़श्ता जुमा भी उससे पहले ये अर्ज़ किया था कि ये सब के सब जगहों के नाम भी नबियों के नाम भी। ईसाइयों ने, अंग्रेज़ों ने अपने तौर पे इनका एक तलफ़ुज़ बना लिया। हज़रत नूह का तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बनाया,
और वैसे भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक तो यहूद नसारा थे भी नहीं, या मुवाहिद थे या मुशरिक थे, बस ये यहूद नसारा इनका तो वजूद अगर हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माईल तो अलग हैं एक बीवी से, और हज़रत इसहाक दूसरी बीवी से हैं, सारा से। फिर हज़रत इसहाक और उनके बेटे हज़रत याकूब और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे जिनका ज़िक्र भी है सूरह यूसुफ में। अब आप समझें, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में न यहूदी है न ईसाई है, मुशरिक मुवाहिद। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को थामे हुए थे वो मुवाहिद थे, मुसलमान भी थे, इसलिए कि मुस्लिम मोमिन मुवाहिद ये एक ही फ़र्द के अंदर ये तीनों सिफतें पाई जाती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान भी हूँ, मोमिन भी हूँ, मुवाहिद भी हूँ। अल्लाह ताला मुझे इसी पर खात्मा भी अता फरमाए। आप जितने हजरात भी बैठे हैं आप मोमिन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मुवाहिद भी हैं। अल्लाह ताला शिर्क से हमें सबको महफूज फरमा दे। मुस्लिम के माना है कि जो अपने दीन का इजहार कर दे, जाहिर कर दे। मसलन दाढ़ी रखना मर्द के लिए, मर्द के लिए दाढ़ी रखना, ये हर नबी और पैगंबर से ये साबित है, हत्ता के फिर ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत हो गई। हम और आप दाढ़ी रखते हैं एक मुट्ठी के बराबर, इसके अलावा जितनी भी दाढ़ियाँ हैं बस अल्लाह को ही मालूम है कि उनके साथ क्या करना है, लेकिन वो इस्लाम में और शरीयत में उनको कोई पिज़ीराई नहीं है। दाढ़ी की शक्ल बनाना, डिज़ाइन बनाना, अपनी मर्ज़ी से रखना, इसका नाम दीन और शरीयत नहीं है। सिर्फ बालों का नज़र आना कि अगर काले बाल हैं तो काले नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद हैं तो सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, इसका नाम दाढ़ी नहीं है। अगरचे हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस गली में जिस रास्ते पे मुड़ गए हैं यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, गटर भी खुले हुए हैं और पत्थर भी हैं, आप अपनी बेहतरीन गाड़ी लेके चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, औरंगी टाउन चले जाएं, न्यू कराची चले जाएं, खुद जैकब लाइन इतना तबाव बर्बाद हो गया इस इलाके में चले जाएं, या तो गाड़ी अंदर ले जाने की गुंजाइश ही नहीं है, बस यहीं रुक जाओ और पैदल जाओ, और अगर किसी ने गाड़ी वहाँ अंदर डाल दी तो गटर के ढकने खुले हुए भी हैं, उठे हुए भी हैं,
तो गाड़ी को नुकसान हो जाएगा। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि भाई गली में मत जाओ, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कोई चीज़ टूट जाएगी, और टूटती है। टैक्सी वाले और ये जो गाड़ियाँ किराए पे देते हैं वो कहते हैं नहीं साहब अंदर हम नहीं जाएंगे, अंदर बहुत बुरा हाल है। तो इसका मतलब ये है, मैंने ये मिसाल इस पे दी है कि अगर आपने अपनी मर्जी से दाढ़ी रख ली, शेव आ गया, डिज़ाइन बना लिया, शक्लें बना ली और पता नहीं क्या क्या उसकी, तो मैं ये नहीं कह, और ये मेरा ज़ौक है। अगर कोई बहुत ही ईमान का पक्का कोई मुसलमान अगर उसको उसकी मजम्मत कर दे तो वो गलत नहीं होगी, उसका नाम बदअख्लाकी नहीं है। लेकिन मैं अगर अपने ज़ौक से ये कह दूं कि अच्छा भाई चलो दाढ़ी तो है लेकिन भाई इसको सही तौर पर रखो, शरीयत के मुताबिक रखो, ये ऐसा ही मशवरा है कि जैसे मैं तुम्हें कहूं कि अपनी गाड़ी अंदर गली में न ले जाओ टूट जाएगी, ऐसी दाढ़ी रखना कि जो मुख्तलिफ कौमों की शनाख्त है, शक्ल है। यहूदियों की दाढ़ी देखो और साहब सिखों की दाढ़ी देखो और अंग्रेज़ों की देखो, ऐसे ऐसे फैशन निकले हुए हैं। लेकिन अगर दाढ़ी रखना चाहते हो, रखनी चाहिए, और चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला आखिरत में कबूल फरमा लें, तो फिर वो दाढ़ी वो है कि जो सुन्नत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दाढ़ी हो एक मुट्ठी के बराबर। खैर, मेरा मतलब यह है कि सब नबियों और पैगंबरों के दाढ़ियाँ थीं। बाज़े लोग जिन्हें मुहक्किक बनने का हैज़ा है कहते हैं बाज़े नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके दाढ़ी नहीं थी। हो सकता है ना, मैं तो नहीं एक एक नबी के बारे में पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुना नहीं। जैसे निकाह के मौके पर, निकाह तो सुबह शाम हो रहे हैं, हमारे सामने होते हैं, मस्जिद में होते हैं, हॉल में, क्लब में, हर जगह। तो आपको सबको ये याद है, एक हदीस है, टुकड़ा है, अगर मैं निकाह पढ़ाऊँ तो मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे वालिद पढ़ाते थे वो भी पढ़ते थे, और हर आलिम पढ़ता है। और वो वैसे ही अरबी की इबारत नहीं है, वो हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर क्या पढ़ा, फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और फरमाया कि ये तमाम नबियों और पैगंबरों की सुन्नत है, कोई भी नबी ऐसे नहीं थे कि जिनकी जिन्होंने निकाह न किया हो। बहरहाल ये बातें समझने की हैं, सब नबियों के दाढ़ियाँ थीं, सब नबियों के निकाह हुए, ये निकाह करना सुन्नत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सब नबियों और पैगंबरों की है। तो इसी तरीक़े पर बात दाढ़ी की आ गई तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल जो दाढ़ी है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, वो यही है कि हम और आप ऐसी शक्ल बनाएं, दाढ़ी रखें। मैं असल में ये अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां हैं, दो बेटे हैं,
एक से हजरत इस्माईल, एक से हजरत इसहाक। अब आप गौर फरमाइए, हजरत इब्राहीम अभी यहूदी और नसारा नहीं है, यहूद नसारा नहीं है, इसलिए कि यहूद हजरत इब्राहीम हजरत मूसा की कौम है और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है। अगरचे हम सब नबियों और पैगंबरों पे ईमान लाते हैं, अल्लाह ने हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाया है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं हूँ, आप हैं, हम सब के सब वो हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने मकबूल बंदों में शामिल रखा है। कैसे? इसलिए कि जब नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाने का मरहला आता है तो यहूदी हजरत मूसा तक तो ईमान लाता है, हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं लाता, इसीलिए तो काफिर है। ईसाई और नसरानी ईमान लाते हैं नबियों और पैगंबरों पर, लेकिन हजरत ईसा तक ईमान लाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं लाते। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहूदी भी ईमान और इस्लाम से निकल गए, नसरानी और ईसाई भी निकल गए, ये दोनों अहले हक में से नहीं हैं। इसीलिए कुरान करीम ने जहाँ इनका जिक्र किया है वो काफिरों में किया है। फरमाया कि लम यकुनिल्लज़ीन कफरू لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنفقين حتى تأتيهم البينة أهل الكتاب يهودي بھی أهل الكتاب ہیں نصرانی بھی أهل الكتاب ہیں لیکن دونوں کے دونوں خارج الإسلام ہیں دونوں کا اللہ نے کافروں کے زمرے میں رکھا ہے۔ ان کے کفر کی بنیاد یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اب آپ سنیے، نبیوں پہ ایمان لانے کا مرحلہ ہے تو الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم سب نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ۔ آسمانی کتابیں، ہم ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضرت موسیٰ کے بھی ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ اور صحبت میں رہنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اب آپ آئیے صحابہ کے زمرے میں، ان کے مرحلے پہ آئیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر صحابی کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، خلفائے راشدین سمیت معلوم غیر معلوم ہر صحابی کا مقام سر آنکھوں پر ہے۔ ہم سب کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتا، بس اللہ
وہ لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو اسی پر خاتمہ عطا فرمائے. اور جو صحابہ میں ان کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، صحابیات کے ساتھ کرتے ہیں، حضرات شیخین کے ساتھ کرتے ہیں، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن یہ اللہ کے مقبول بندے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں یہ بیماری ہے. اور ہم سب صحابہ پر یقین رکھتے ہیں. پھر ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر تو مانتا ہے، لیکن آخری نبی اور پیغمبر نہیں مانتا. قادیانی، مرزائی، یہ فتنہ عرب سے تو نہیں اٹھا تھا، لیکن بہرحال وہاں ہوگا تو ہوگا، بر صغیر میں اٹھا. الحمدللہ ہم سب کے سب ختم نبوت کے ہم اور آپ قائل ہیں. ہمارا عقیدہ ختم نبوت سب سے زیادہ صحیح بھی ہے، مضبوط بھی ہے. ہم عقیدہ ختم نبوت کو پوری طرح سے مانتے ہیں، اور اس میں نمازی غیر نمازی کی قید نہیں ہے، داڑھی والا ہو بے داڑھی کا ہو، یہ کوئی ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے. اگر کوئی فاسق اور فاجر ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے، قائل ہے، تو معاف کیجئے، یہ معاملات متقیوں کی عدالت میں نہیں آئیں گے کہ جی آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں. تو معلوم ہوا کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو گئے کہ ہم سب ختم نبوت کے قائل ہیں. پھر آئیے، ائمہ مجتہدین، چار سلسلے ہیں، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ہم ان چاروں کو مانتے ہیں. سلسلے چشتیہ بھی ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، اور صاحب نقشبندیہ ہے. ہم ان چاروں کو مانتے ہیں. میں سلسلہ چشتیہ کا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کے تھے. وہ سلسلہ چشتیہ کے تھے تو وہ تینوں سلسلوں کو برحق مانتے تھے. جب یہ جیکب لائن کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، تباہی اور بربادی، اللہ تعالیٰ ان سب کو، اس کا جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو سکتا ہے وہ کرے. تو مجھے شروع میں سن 80 میں یہ بتایا تھا بعض افسروں نے کہ جیکب لائن تھانوی مسجد کا نقشہ جو بنایا گیا تھا شروع میں، جس خبیث نے اس نقشے کو بدل کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اتنا بہترین پروجیکٹ تھا جیکب لائن کا، لائن ایریا جیکب لائن ڈیولپمنٹ. انہوں نے مجھے بتایا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے نظام الحق اور انتظار الحق، دونوں بڑے ہیں مجھ سے. تو یہاں پہ ادھر یہ منور ریسٹورنٹ کے پاس دفتر تھا لارپ کا، لائنز ایریا پروجیکٹ ری ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ان کے افسر نے یہ بتایا، مارشاء اللہ کا دور تھا، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا. ان کے افسر نے یہ بتایا کہ جو نقشہ اصل میں بنایا گیا تھا لائنز ایریا کا، وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. فرمایا، انہوں نے کہا کہ تھانوی مسجد کا نقشہ یہ بنایا تھا،
के शहर के चार तरफ से मेन रोड आएंगे और इधर से उधर से चार रास्ते और चार सड़कें बनाई गई थी नक्शे में कि जो सीधी थानवी मस्जिद के ऊपर आती थी। हमने तो नहीं कहा था उनसे, हमारे वालिद तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग थे, उन्होंने सोचा भाई इतनी बड़ी मस्जिद है, बैनुल अक्वामी मस्जिद है, उधर से कोई आना चाहे तो सीधा यूं आ जाए, उधर से आना चाहे तो सीधा, इधर से इधर से। कहने लगे कि ऐसा फोकल पॉइंट मस्जिद को रखा गया था कि चारों तरफ से रास्ते मस्जिद की तरफ आ रहे थे बस। लेकिन इन्होंने, हासिदों ने, दुश्मनों ने, बातिनी बदबातिनों ने, इन्होंने उस नक्शे को बदल के रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। ये आप कहेंगे कि मौलवी साहब यहाँ पे क्यों पहुँच गए, अच्छी खासी बातें कर रहे थे नबियों की और सहाबा की। मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि हमारा ईमान और अकीदा ये है कि चारों सिलसिले, चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, कादरिया है और तमाम सौरवर्दिया है। मेरा ईमान, और आप भी अपना ईमान ऐसा बनाएं, हम किसी सिलसिले को बुरा नहीं समझते, गलत नहीं समझते, ना हमारे बुजुर्गों ने समझा, बल्कि हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह चारों सिलसिलों में बैत फरमाते थे। अगर कोई कादरी आया है उसे भी बैत, कोई चिश्ती आया है उसे भी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमत, ये तीनों बुजुर्ग हाजी साहब से बैत थे। हाजी साहब चारों सिलसिलों में बैत फरमाते थे। मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये है, हमारा ईमान और अकीदा ये है, अगर मैं सिलसिले चिश्तिया से हूँ, मेरे बुजुर्गों का ताल्लुक आपका नक्शबंदिया से है, आपका सोहरवर्दिया से है, किसी का कादरिया से है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे इस बात का डर नहीं है कि क्या कह गया, पूछ तो लेता। अल्लाह ताला हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, हमारे वो उस्ताद भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम अपने बुजुर्गों से ये बात सुनते आए हैं कि ये चारों सिलसिले बरहक हैं और इनकी मिसाल ऐसी है, इन चारों सिलसिलों में से जिसने अपना रिश्ता जोड़ लिया किसी भी सिलसिले से, चिश्तिया से, सोहरवर्दिया से, नक्शबंदी, कादरी, फरमाया कि जब ये इस रास्ते पे चलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह इनकी सवारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े तक पहुंच जाएगी। ये बुजुर्गों की बात है, ये नहीं है कि जी ये तो वहाबी आ गए, ये कहाँ पहुँचेंगे रोज़े रसूल पे, वहाबी तो कोई सिलसिला ही नहीं है, बेकार का एक नाम मशहूर हो गया, एक्सट्रीमिस्ट मुतशद्दिद। ये चारों सिलसिले जो बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम से ये चले हैं, ये इन रास्तों पे जो भी चलेगा, जैसे वो केडीए का नक्शा बना था कि जो इस रास्ते पे चलेगा वो थानवी मस्जिद पे पहुंच जाएगा, नक्शा ही ऐसा बनाया था। ये नक्शा ऐसा है, आप किसी भी सिलसिले से जुड़ जाएं और उसमें चलते रहें, इंशाअल्लाह आपकी सवारी मस्जिद नबवी पहुंचेगी और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाएंगे, भटकेंगे नहीं चारों सिलसिले सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों सिलसिलों को सही समझते हैं, ये अल्लाह ने हमें मकबूलियत का दर्जा दिया है।
और अगर इनमें कोई एक दूसरे से नफरत करें, बस समझ ले वो ऐसे ही हैं जो हमने सब सहाबा से अपना दामन जोड़ा, हम मकबूल हैं, और जिन्होंने अपना सहाबा से रिश्ता तोड़ा वो मकबूल हो सकती। तो चारों सिलसिले बरहक, चारों खुलफा बरहक, और साहब ये सारे सिलसिले हो गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक और भी बात सुन लीजिए इस सिलसिले में। हमारी बुनियाद क्या है? कुरान, ये कुरान करीम है। इसके बाद यानी इसके नीचे फिर है अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान, हदीस, और फिर है इजमाए सहाबा। कुरान, हदीस, सहाबा। अब आपने देखा जो कुरान को नहीं मानते वो काफिर, जो हदीस को नहीं मानते वो मुनकिरीन हदीस, वो भी काफिर। और मैं नफरत से उन्हें काफिर नहीं कह रहा, अल्लाह करे कि उन्हें हिदायत मिल जाए, वो भी हदीस को तस्लीम कर ले, उन्हें भी हिदायत मिले। जो कुरान को न माने वो काफिर, जो हदीस को न माने वो काफिर, जो सहाबा को न माने वो भी काफिर। तो ये तो वैसे ही निकल गए रेवड़ में से। लेकिन एक चौथी बुनियाद है हमारी, अइम्मा मुज्तहिदीन। फरमाया कि इजमाए सहाबा और इज्तिहाद अइम्मा मुज्तहिद औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम औलिया अल्लाह को भी मानते हैं और मानना चाहिए। अगर आप औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन से हट के चलेंगे, और चलते हैं, यहाँ पर एक जमात है कि जो सहाबा तक भी लड़ते झगड़ते पहुँचे, और वलियों को तो मानते ही नहीं। सहाबा में भी जिसके मुँह जिसके जी चाहे सहाबी को कह देते हैं, ये तो ऐसे थे, ये तो वैसे थे, तुम क्या हो। ये वलियों को नहीं मानते। और मेरे वालिद मोहतरम ने ये बात बड़े इज्तिमाई अंदाज में ये बात कब कहाँ कहाँ कही। फरमाया कि तुम पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान का अगर तुम रिश्ता जोड़ते हो कायद आज़म और लियाकत अली से, सर सैयद अहमद ख़ान से, अल्लामा इकबाल से, ये सब हमारे लिए बहरहाल मोहतरम है। कायद आज़म को भी हम बुरा नहीं समझते, लियाकत अली को भी नहीं समझते, अल्लामा इकबाल के तो और भी एहसानात हैं। अल्लामा इकबाल की शख्सियत इतनी तो है कि उनके अशार हम पढ़ते हैं मस्जिद में, और आप लोग जो हैं फड़क जाते हैं। कभी लियाकत अली का कोई शेर सुना? कभी कायद आज़म का कोई शेर सुना मौलवियों से? नहीं। लेकिन बहरहाल हमारे उलमा ने उनको नापसंद नहीं किया, हत्ता के सर सैयद अहमद ख़ान, उनमें भी बाज़ी चीज़ें ऐसी थीं कि जो वक्त के उलमा ने उनकी गिरफ्त, लेकिन उन्हें भी बुरा नहीं कहा। फरमाया ये सब हमारे लिए मोहतरम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये, फरमाते थे कि लोग मुस्लिम लीग वाले ये नहीं, ये चोर डकैत ये लोग नहीं, कायद आज़म और लियाकत अली वाली मुस्लिम लीग। फरमाते थे कि मुस्लिम लीग वाले क़याम पाकिस्तान का सिलसिला जोड़ते हैं कायद आज़म से, लियाकत अली ख़ान से, अल्लामा इकबाल से।
हमसे सुनो कि हम क्या कहते हैं। फरमाया कि हम इनको मानते हैं, ये मोहतरम हैं, लेकिन खुदा की कसम, फरमाया अगर हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेखुल हिंद, ये हजरात अगर मैदान में न निकलते तो पाकिस्तान कभी मिलने वाला नहीं था। फरमाया पाकिस्तान इन हजरात ने बनाया है। ये है हमारी सोच। तो इसका मतलब ये कि ये कौन थे? वली थे। हजरत शेखुल हिंद क्या सहाबी थे? वली थे। शाह मौलाना इस्माइल शहीद वली थे। तो भाई बात ये है, अगर वलियों का तुम इनकार कर दो कि वलियों की कोई हैसियत नहीं है, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की, तो समझ लो कि तुम पाकिस्तान के भी खैरख्वाह नहीं हो। बिला वजह का ढोंग रचाना कि जमहूरियत आएगी और ये आएगी, कुछ भी नहीं। जो वलियों ही को नहीं मानता वो अल्लाह के दीन को कैसे नाफिज करेगा? हमें और आपको अगर अल्लाह और रसूल तक हमारी रसाई हुई है तो खुदा की कसम इन्हीं औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन के रास्तों पे, कदमों पे चल के हम गए हैं। आगे बढ़े तो हमें सहाबा से मिलना हुआ, सहाबा से बढ़ के चले तो हुजूर से मिलना हुआ, और जब हुजूर से मुलाकात हुई तो अल्लाह से मुलाकात हो गई। आप बताइए, कोई कह सकता है कि मैंने हुजूर के बग़ैर अल्लाह को पहचाना है? नहीं। अल्लाह की मारिफत, पहचान, कुर्ब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये भी किसी वली ने कही है, आज़ाद शायर ने नहीं कही। फरमाया कि या रब तो करीमी और रसूल तो करीम, या रब तू करीमी और रसूल तो करीम, सद शुक्र के हंसते मियां ने दो करीम। ऐ अल्लाह आप भी करीम, आपके नबी भी करीम, हम क्या शुक्र अदा करें इस बात के ऊपर के अल्लाह ने दो करीमों के बीच में हमें रखा हुआ है। इधर भी करीम, इधर भी करीम। जैसे वो कटी पहाड़ी में तो कभी गुजरा नहीं वहां से, कहते हैं वो बीच में से रास्ता काट के, बहरहाल कटी पहाड़ी तो वैसे ही आ गई दिमाग में। करीम ही करे, अल्लाह भी करीम, अल्लाह के नबी भी करीम। अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम, जो औलिया अल्लाह को नहीं मानता वो सहाबा तक नहीं पहुंच सकता, और जो सहाबा में कीड़े निकालता है वो हुजूर से भी मोहब्बत नहीं रखता, और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न रखे उसे कभी भी अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं हो सकती। ये एक कायदा है बस। तो मैंने अर्ज़ किया कि नबियों के, जिस दिन नबियों का पर्चा था उस दिन भी हम कामयाब हो गए, हम सब नबियों को मान। फरमाया कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुल व कुतुबिही व रुसुलि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलि। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह को। ये हमारी मकबूलियत की ये आयत है, हम सीना ठोंक के कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल किया। क्यों? हम सब नबियों को मानते हैं। यहूदी हजरत मूसा के अलावा किसी को नहीं मानता, ईसाई हजरत ईसा के अलावा किसी को नहीं मानता, और ये दोनों के दोनों, इनको पढ़े लिखे जाहिल का है कुरान ने। अल्लाह ताला भी अगरचे अल्लाह का कलाम तो बड़ा फसीह बलीग कलाम है, अल्लाह ताला गालियां नहीं देते,
जैसे इस ज़माने में गालम गलोच, मेहराब मिंबर पे भी और पार्लियामेंट में भी हर जगह, लेकिन अल्लाह मियाँ जब आते हैं किसी की मजम्मत करने पर, तो कहना तो नहीं चाहिए कि अल्लाह मियाँ ने गाली दी है, लेकिन आप समझ लें कि अल्लाह मियाँ गुस्से में हो, और गुस्से में बहरहाल इंसान बहुत कुछ हलाल कर लेता है कि जी गुस्से में हुआ है जी। सुनिए, अल्लाह ताला ने दो पढ़े लिखे जाहिलों का जिक्र फरमाया, बल्कि पहले एक ऐसी कौम का जिक्र फरमाया कि जो जाहिल है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, जिनमें पढ़ने लिखने का रिवाज ही नहीं है, उम्मीयीन किसे कहते हैं? अरब को, अरबों को, हम अरब नहीं हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा नबी और पैगंबर बना के, और मकसूद का इनात है हुजूर, कहाँ भेजा? मुखालिफ पार्टी में, वहाँ करें आप काम, वहाँ जाएं आप। वो कौन है? अरब। अरब कौन है? उम्मी, उम्मीयीन। उम्मी नबी के साथ लगता है तो उसके माना जाहिल के नहीं है, किसी ने ये माना नहीं किए, बल्कि नबी के साथ जब उम्मी लगता है तो तर्जमा ये है अल्लाह के वो नबी, इल्म तो अल्लाह ने उनको इतना दिया, इतना नवाजा के अल्लाह के बाद इल्म ख़त्म है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म, लेकिन हुजूर ने कोई जरिया इल्म इख्तियार नहीं फरमाया, कलम नहीं लिया, नोटबुक नहीं रखी, कोई तख्ती नहीं लिखी, कोई रजिस्टर नहीं लिखा, कोई मजमून नहीं लिखा, कोई बयान नहीं लिखा, किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं। आप उम्मी इस माना कर रहे हैं कि आपको इल्म तो अल्लाह ने बहुत दिया था, लेकिन आपने हुसूल इल्म के लिए कोई जरिया इख्तियार नहीं किया, बल्कि आपका जरिया क्या था? फरमाया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखाया कुरान। किसे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कुरान जो है हजरत आदम पे नाजिल हुआ था? सब जानते हैं हुजूर पे हुआ था। फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, आप पे हमने नाजिल किया है। तो कुरान करीम अल्लाह ने सिखाया कुरान किसको? अभी आना हुजूर का, लेकिन मफहूम यही है, हुजूर को सिखाया। किसके ज़रिए से सिखाया? वो भी वास्ता है जिब्रील अमीन। उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन कासिद हैं, पैगंबर हैं, उस्ताद नहीं हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये तो उम्मी का तर्जुमा आपने समझ लिया। अब आइए गैर नबी, मैं उम्मी, आप उम्मी, अरब के लोग उम्मी, ये कौन है? जब नबी के अलावा गैर नबी पर लफ्ज़ उम्मी लगाया जाता है तो मुराद ये है कि ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, बेपढ़े लिखे हैं, इनमें पढ़ने लिखने का रिवाज ही नहीं है, ये तर्जुमा है। अब सुनिए, फरमाया कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूला, उस अल्लाह ने जाहिलों में, बेपढ़े लिखे लोगों में, जिनमें कोई तहजीब नहीं थी, जिन्हें कोई लिहाज नहीं था, ऐसी बेपढ़ी जाहिल कौम में किसको भेजा?
अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم عربوں میں بھیجا، آپ نے عربوں میں تبلیغ فرمائی، اور آپ سب یاد ہے آپ کو حضور نے اعلان فتنتن، بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے۔ آج تک جو تبلیغی بھائی ہمارے تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے اپنے راستے میں، یہ کیا ہے؟ ان حضرات کے ذریعے اللہ نے اس روح کو باقی رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ باقی رکھا ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی تبلیغی دین ہے وہ دین اسلام ہے، آج تک تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغی حضرات اپنا گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، کس لیے؟ کوئی چیزیں خریدنے گئے، گھر کا سامان لینے گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان تبلیغی بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں سب کو تبلیغ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، تب دعوت اور تبلیغ کا کام فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس میں؟ جاہلوں میں، بے پڑھے لکھے۔ کوئی یہ کہتا کہ یار لوگ تو ہمارے بارے میں کہتے ہیں، یار حضرت کو بلا لیا، کوئی شایان شان تو اہتمام کرو، ایسے لوگ جمع کرو جو اچھے پڑھے لکھے سنجیدہ ہوں۔ ہماری تو یہ شان کہ ہمارے لیے ہمارے چاہنے والے یہ سوچتے ہیں بھائی کوئی ایسا نہ مل جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی فکر نہیں تھی۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے عملی طور پہ دکھا دیا، یاد رکھو تبلیغ کا کام تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، تمہاری طبیعت کے موافق لوگ ملے تب، نہ ملے تب، دعوت اور تبلیغ تو کرنی ہی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا کام ہے، اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے، تبلیغ فرمائی۔ اور کیسی تبلیغ فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی پیغمبرانہ ہے، 40ویں سال میں آپ کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے، ذمہ داری دی ہے، جب آپ غار حرا میں تھے۔ اب آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ بس کتنے سال تک کیا؟ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 23 سالہ پیغمبرانہ دور ہے جس میں تبلیغ فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی فکر میں رہتا ہوں، نہ مجھے پوری تاریخ معلوم ہے، نہ اتنا علم میرا ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ وقت میں گنجائش ہے، لیکن 23 سالہ پیغمبرانہ دور آپ میں، اب بچے کچھ ایسے ہیں جو اب سمجھدار ہو گئے، کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہیں گے کہ بھائی مولانا یاد آ گئے، یہ شعر سن کے مولانا احتشام الحق یاد آ گئے۔ سنیے، لاکھوں کے مجمع میں میرے والد یہ شعر بنگال میں پڑھا کرتے تھے، مولانا احترام الحق صاحب میرے بڑے بھائی، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، کہتے تھے کہ میاں یہاں تو اتنا مجمع کبھی ہوا ہی نہیں مغربی پاکستان میں، جو مشرقی پاکستان میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور اس لاکھوں کے مجمع میں میرے والد یہ شعر پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا،
दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। ये तबलीग हो रही है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खुदा की कसम तबलीग के फायदे आज भी आ रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा। ये वो अमल नहीं है कि जिसका नुकसान और रिएक्शन हो, साइड इफेक्ट हो, कुछ नहीं है। आज भी तबलीग के काम में बहरहाल इजाफा भी हो रहा है, बड़ी अच्छी गोया उसके नताइज आ रहे हैं। और क्यों ना है, किसकी तबलीग है, ये अल्लाह के दीन की है। हम तो निकलते हैं मदरसे का चंदा मांगने, हम तो निकलते हैं वेलफेयर आलमगीर को क्या फुटपाथों पे बकरे खरीद के बांध दिए, भाई ये तबलीग है। लाहौल और ये कहाँ की तबलीग है, ये तो अपने मसलक के पीछे चलाना है। रिक्शा देंगे तुम हमारे रंग की पगड़ी बांध लो, वो कहता है पगड़ी बंधवाओ चाहे कोई सड़ा हुआ कपड़ा सर पे बंधवा दो, भाई रिक्शा तो दो। रिक्शों पे तबलीग हो रही है, बकरों पे तबलीग हो रही है, देने दिलाने पे हो रही है। मुझसे बहुत से दोस्तों ने कहा इतनी बड़ी मस्जिद है मौली साहब, यहाँ आप बकरे बांधें, कुछ ये करें, लोग आएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, ना हमें इतनी बड़ी तादाद चाहिए। ये तो मसलक की तबलीग है, दीन और मजहब की तो नहीं है। दीन और मजहब की तबलीग अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी और अमीर बानी है तबलीगी जमात, ये तरीका है तबलीग का। न बकरे न मुर्गियाँ न कुछ, इनके पास आओ ये समझ के मत आओ कि मियाँ बकरे मिलेंगे और मुर्गियाँ मिलेंगी, इनके पास कुछ नहीं है। और जो चीज़ है उसकी तलब करो तो तुम्हें मिल जाएगी। तो तबलीग हो रही है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में, 23 साल पाकिस्तान को बने हुए, 75 साल हो गए। अल्लाह ताला उन सब को तबाह बर्बाद कर दे जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। मेरी तो अब ये दुआ है बस, मैं नहीं नजरात की दुआ कर रहा हूँ ना मईशत की, न की इनके लिए करो गधों के लिए। दुआ हम करें, आमीन आप कहें, खाएं चाटेंगे जितने खबीस बैठे हैं। तो बहरहाल 23 साल तबलीग, आप देखिए अल्लामा इकबाल ने नक्शा खींचा है। फरमाया के दुर्फ़िशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फ़िशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। आँखें खोल दी, बीना का मतलब बीनाई आ गई, अंधे थे बीनाई आ गई। किसने? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग ने। दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, ये है तबलीग। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये तबलीग थी और ये आज तक बाकी है, ये खत्म नहीं होगी, ये चलती रहे। तबलीग करने वाले ख़त्म हो गए, हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे, दावत और तबलीग का काम ख़त्म नहीं होगा। आप करेंगे, आपकी आपका ये गोया एज़ाज़ होगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह मियाँ किसी कौम के मोहताज नहीं है। कहीं हम कहें जी
हमने अल्लमिया का नाम चमका दिया, आप कौन है चमकाने वाले? चवन्नी अठन्नी तो चमका नहीं सकते, नाम चमकाएंगे अल्लाह का। तो मैंने ये बात इसलिए अर्ज की कि ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, यहूदी भी ईसाई भी नसरानी, कुरान की आयत पहले वो आयत मैंने पढ़ी कि जिसमें फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो जाहिल थे अनपढ़ थे। भाई मौज़िन साहब का है, देखिए ना वहाँ खेल मच रहा है सारा, कोई बैठा भी नहीं है वहाँ पे बेवकूफ़ आदमी। तो जो जाहिल थे जो अनपढ़ थे, अल्लाह मियां फरमा रहे हैं 28वां सिपारा सूरह जुमा खोलें, उसमें ये आयत मिलेगी। फरमाया कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। ये तो जाहिल कौम, अभी तो अल्लामा इकबाल सुना रहे हैं, अल्लामा इकबाल की सुन ली, अभी तो उलमा तो आए नहीं, वो बैठे हैं अभी हुजरे में, इनसे सुन लो। अल्लामा इकबाल ने तुम्हें ये बता दिया कि भाई इससे बड़ी कोई तबलीग नहीं थी उस कौम को कि जिसमें सारे ऐब और खराबियां थीं, उस कौम को साहिब तख्त ताज बना दिया और उनको गोया अक्वाम आलम का उस्ताद बना दिया। किसने? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कैसे? तबलीग के जरिए, बैनर लगा के नहीं कि नुमाइश पे बैनर लगा के समझ रहे हैं सबसे बड़ा काम हो गया। तो खैर ये आपने दिया, अब आइए दो, वो पढ़े लिखे नहीं थे अरब के मक्के के लोग, उनके अंदर से अल्लाह ने एक इतनी बड़ी जमात है सहाबा पैदा कर दी। और जो पढ़े लिखे थे जिनको किताबें दिलाई थी, भाई गरीब का बच्चा तो बस वो बैठ जाता है पाना लेके हाथ काले करने, अरे भाई इसे पढ़ाया नहीं, उससे पूछो फलां किताब का मान, कहेगा जी मैं तो मेरे बाप ने यहीं बैठा दिया मुझे, नट बोल्ट खोल रहा हूँ हाथ काले कर रहा हूँ, मुझे क्या पता किताब क्या होती है कॉपी क्या होती है, इस बेचारे को पढ़ाया ही नहीं। लेकिन जिसके माँ और बाप ने जाके चलो बेटा तुम्हें किताबें दिला रहे हैं, बैग दिला रहे हैं, बस्ते पेन पेंसिलें, इसको भी दिलाई इसको भी दिलाई, ये अगर जाहिल रह गए तो माँ बाप भी कहेंगे कि हमने इसलिए किताबें दिलाई थी तुम्हें कि तुम जाहिल रह जाओ, हमने तो तुम्हें मोटर मैकेनिक के काम में नहीं लगाया था, हमने तुम्हें और किसी काम में, तो अगरचे सारे काम जायज़ और हलाल और बड़ी मेहनत के, अगर कोई मोटर मैकेनिक का काम करता है और बच्चे भी काम करते हैं, खुदा की कसम ये बड़ा हलाल काम है, टैक्सी चलाना, रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, दुकान पे बैठना, कोई समझे कि जी ये तो दुनियादारी नहीं, दीन के लिए अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो तिजारत भी दीन बन जाती है। लेकिन जिन बच्चों को किताबें दिलाई थी माँ बाप ने, उन्होंने नहीं पढ़ के दिया, उन्हें कुछ भी नहीं आया, अफसोस होगा। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनको तो बेचारों को ना नबी मिले ना किताब मिली। देखिए ये मक्के के बेपढ़े लिखे अरब उम्मीगी, और जिनको किताबें दिलाई थी हजरत मूसा को तौरात थी, यहूदियों ने पढ़ी, हजरत ईसा को इंजील दी, ईसाइयों ने पढ़ी। भाई तौरात और इंजील आसमानी किताबें हैं और हमारा ईमान है उन पर, इन दोनों ने उन किताबों पे अमल नहीं किया।
तो अल्लाह ताला ने इनका क्या लकब दिया है सुन लीजिए। फरमाया के मसलुल्लज़ीन हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा का मसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। मेरे वालिद के लिए दुआ फरमाए अल्लाह ताला, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मेरी वालदा को भी जब 28वें सिपारे की वो आयतें यहाँ पढ़ते थे, सूरह जुमा पढ़ी थी, वो छप भी चुकी है, तकरीरी शक्ल में है, उसमें ये आयतें उस वक्त की सुनी हुई हैं। सन 78, सन 77 78 में 11-12-13 साल की उम्र थी मेरी। सुने फरमाया के मसलुल्लज़ीना हुम्मिलु तौराता, उन लोगों की मिसाल सुन लो ऐ अहले ईमान, कयामत तक आने वाले इंसानों सुनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जिन्हें तौरात दी थी, हमने जिन्हें इंजील दी थी, भाई ये हमारी किताबें हैं, अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ। हमने तौरात में और इंजील में जिक्र कर दिया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा बन के आएंगे, उन पर ईमान लाना। अभी आए नहीं, लेकिन हमने तो कह दिया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया इसी 28वें सिपारे में, फरमाया के वो इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, वो जो है वो इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम। सुन लीजिए, बाप ये मत कहिएगा जी आज भी जुमा ऐसे ही चला गया खाली, मैं तो नहीं समझ रहा कि खाली गया है। وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, और जब कहा ईसा इबन मरियम ने, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल की औलादो सुनो, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ या बनी इसराइल, सुनो क्या कह रहा है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये कहा था ईसा ने अपनी कौम से, क्या कहा था, फरमाया कि इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। पहली बात, मुसद्दिकल लिमा बैन यदय मिनत तौरात, और मैं तस्दीक करता हुआ दुनिया से गया हूँ कि देखो एक किताब है जिसका नाम है तौरात, जिसका नाम इंजील, ये मैं जाते जाते बता गया था। फरमाया के मुसद्दिकल लिमा बैन यदय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल, और मैं जाते जाते खुशखबरी दे गया था कि एक नबी और एक रसूल आएंगे, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, मेरे बाद एक नबी और पैगंबर आएंगे जिनका नाम नामी और इसमें गिरामी होगा अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईमान लाना। नहीं लाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनके पास न उस्ताद था न किताब, वो इतने बड़े अक्वाम आलम के उस्ताद बन गए, हिदायत पर आ गए, जाहिल थे हिदायत पर आ गए। और इनको किताबें दिलाई थी इकबाल बुगडिपू से, फिर भी नहीं पढ़ के दिया, माँ बाप की मेहनत भी जाई गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनकी मिसाल ऐसी है, गधे के ऊपर किताबें लाद दो, बुखारी शरीफ, और ये गधा कोई नापाक जानवर तो नहीं है, आप इल्म की किताबें गधे पर लाद दे, आप बताइए गधे को क्या फायदा पहुंचेगा, गधा उठा लेगा लेकिन समझेगा तो नहीं।
हमने इन तौरात और इंजील जैसी किताबें दी, लेकिन ये गधों से भी बदतर रहे कि इन्होंने उनको समझने की जहमत नहीं की। ये गधे हैं, मैं ऐसे ही है जैसे गधों पे बोझ लाद दिया गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात लंबी हो गई, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता था कि असल में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मकबूल हैं। नबियों पे ईमान, हम सहाबा पे ईमान रखते हैं, हुजूर की ख़त्म नबूवत को भी मानते हैं, हम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन को भी मानते हैं। ये सब चीज़ें जब हम मानते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें मकबूलियत का दर्जा दिया है। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये है असल में। तो मैंने अर्ज़ किया था कि नबियों और पैगंबरों का ज़िक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहीम। फरमाया के वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून, फिर दूसरे नबी वो जो है क्या है, फरमाया के وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ, حضرت ابراہیم, اور پھر فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر, فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ, اب جو آیت پڑھی ہے وہ ہے, فرمایا کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, غیر مسلموں نے یہ نام انہوں نے اپنی زبان میں رکھے ہیں۔ حضرت الیاس کا نام تو پہلی دفعہ سنا میں نے جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا۔ حضرت نوح کا تو کوئی نام نہیں سنا, اس لیے کہ یہودی تھے ہی نہیں, نہ انگریز تھا نہ عیسائی تھا۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں جا کے یہود و نصارہ پیدا ہوئے, انہوں نے نام رکھ دیے, ابراہیم کا نام رکھ دیا ابراہم, اسماعیل کا بھی کوئی نام رکھ دیا, اور صاحب داؤد کا نام رکھ دیا ڈیوڈ, اور موسیٰ موسس, اور پتہ نہیں کس کس کے نام, یعقوب جیکب۔ میں نے عرض کیا تھا یہ جیکب لائن انگریزوں کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے, تین عبادت گاہیں انگریز نے بنوائی تھیں اپنے اپنے ورشپرز, اپنے عبادت کرنے والوں, خود انگریز نے نہیں بنائی۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس مسجد میں انہوں نے پیسہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا, تین تاریخ میں ہے یہ چیز موجود۔ 1911 میں جب یہ مسجد, اس کی تعمیر شروع ہوئی, کھدائی شروع ہوئی, تو وہ پتھر وہاں لگا ہوا ہے حوض کے سامنے, آپ پڑھ لیں, برطانوی زمانے کی فوج سگن بلوچ رجمنٹ نے یہ مسجد بنائی تھی 1911 میں۔ کس لیے بنائی تھی؟ نمازیں پڑھنے کے لیے, اور بلوچی تو ویسے بھی دیندار مذہبی ہوتے ہیں, بلوچی بھی اور پشتون بھی, جتنا جتنا نیچے آئے کراچی آتے ہوئے سارے بے دین ہو جاتے ہیں, لیکن بلوچستان میں بھی دین مذہب کا بڑا نام ہے, اور سرحد میں بھی ہے, میں پشتونستان نہیں کہتا, وہاں بھی ہے۔ علماء کا ادب, علماء کا احترام, جتنا جتنا آئیں گے علماء کے خلاف برے بھلے جملے کہنے لگیں۔ سندھ میں آئیں گے سندھی بھی ادب احترام کے, کراچی والے تو کرتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ ان کی تو کامیابی اسی میں ہے کہ مولویوں کو جو جی میں آئے گالیاں دو, اسی لیے اللہ نے ان کو کہیں بھی نہ اقتدار دیا, نہ ان کو عزت دی, نہ سربلندی دی۔ میں یہ تجربے سے کہہ رہا ہوں, یہ کسی کا دل نہیں دکھا رہا, یہاں پہ ہے ہی نہیں علماء کا ادب احترام۔ میں کسی تقریب میں پہنچ جاؤں, سندھی
जिनको लोग वडेरे कह देते होंगे भाई वडेरे, उठ के आया साईं सलाम करो, बलोची भी करते हैं। सरहद के लोग कराची वाले हैं, ये तो अपनी आंखें धोते हैं कि मौलवी पे नज़र भी क्यों पड़ गई। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, चले हैं ये असेंबलियों की सीटें लेने। जब तक तुम्हारे अंदर दीन मजहब और उलमा का अदब एहतराम नहीं आएगा, खुदा की कसम तुम्हें असेंबलियों के, तुम्हें टॉयलेट धोने की भी नौकरी नहीं मिलेगी। सीटें तो क्या मिलेंगी तुम्हें, लेकिन बलोची हमेशा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। तो मैंने अर्ज किया कि अंग्रेज का ज़माना है, ब्रिटिश दौर है, 1911 है, यहाँ जो तख्ती निकली वो वहाँ लगी हुई है, पढ़ लो। तीन इबादतगाहें अंग्रेज ने फंड दिया या जो भी कुछ दिया, एक ये जो सदर में जो चर्च है, गिरजाघर है वो, एक मस्जिद वो, ये एक एक हिंदुओं का जो मंदिर है ये सोल्जर बाजार में। मैं गया नहीं हूँ, गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, आप अगर जाएं किसी वक्त तो मालूम करें, पता चलेगा। 1911 में अंग्रेज ने चर्च भी बनवाया, ईसाइयों ने अपना जो भी पैसा लगा, ये बलोच रेजिमेंट ने पैसा लगाया, ये मस्जिद बनी, पुरानी मस्जिद किसी को अगर याद है, और हिंदुओं ने लगाया तो वो मंदिर, ये 1911 की तामीरात है तीनों। तो इस इलाके का क्या नाम था, जैकब लाइन। हमें तो पता ही नहीं था कि जैकब के माना क्या है, पता चला याकूब। मैंने जब इलियास के बारे में, हजरत इलियास के बारे में पढ़ा तो उसमें नाम लिखा हुआ है एलिया। एक ये वाहियात स्कूल यहाँ खुला था, एलिया वो गधी थी, वो यहाँ पे बैंड बाजे बजवाती थी मस्जिद की दीवार, जाहिर है वो खबीस औरत थी। अब कहाँ चला गया एलिया स्कूल, मुझे नहीं पता। एलिया वो नाम ही वही भाई, इलियास नाम रख देते, याकूब स्कूल नाम रख दो, और ऐसे कोई नाम रख दो, नहीं अंग्रेजों के तलफ्फुज़ पे चलेंगे, एलिया स्कूल। वो एलिया स्कूल को भागना पड़ा यहाँ से, मस्जिद के साथ एलिया बना लिया। मुझे तो पता नहीं था एलिया क्या क्या बला है क्या, लेकिन बहरहाल किताबों से पता चला कि एलिया नाम है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का। बस ये मैंने बात अर्ज कर दी, इंशाल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने दोबारा ये आयतें पढ़ूंगा, और जाहिर है कि बस मैं जो भी बातें हो गई हैं वो सब काम की हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये एक ऐलान समाज फरमा लें, तकरीबन एक महीना रह गया है ईद उल अज़हा, बकरीद। हमारे यहाँ इज्तिमाई क़ुरबानी होती है और वो हो रही है एक अरसे से होती है, इस मरतबा भी होगी। तो जो फैसला किया गया है तो उसमें ये फैसला है कि गाय जो है इज्तिमाई तौर पे, गाय फी हिस्सा यानी एक हिस्सा दर्जा अव्वल, दर्जा अव्वल आप भी समझते हैं, मतलब ये कि ये बहुत आला दर्जे की गाय होगी, इसके जो उन्होंने हिस्सा मुकर्रर किया है 19,000 रुपया, ये गाय फी हिस्सा दर्जा अव्वल, और फी हिस्सा दर्जा दोयम 14,500। 14,500 का भी हिस्सा होगा, आप लोग लेना चाहें वो बुक करा लें। 19,000 का भी होगा, बाकी ये पंफलेट बाहर भी शायद तकसीम हो जाएंगे, तफसीलात आप पढ़ लीजिएगा। मैंने तो इसलिए पढ़ दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई मौलाना की नज़र से ये गुज़रा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह
हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले, तबाह बर्बाद देखने वाले, और सबसे बड़ा अमरीका जो दुश्मन है पाकिस्तान का, अल्लाह ताला इन सब को बेअसर कर दे, इनकी ताकतों को तबाह बर्बाद कर दे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के अमरीका के अवाम को कर दे या हिंदुस्तान के अवाम को, नहीं, अवाम तो बेचारे अवाम हैं, मज़लूम हैं, मासूम हैं, उनके अंदर ये नफ़रतें नहीं होती। लेकिन ऐ अल्लाह, जो बड़ी ताकतें हैं, ये तय हो चुका है और ये बात साबित हो गई है कि ये सब के सब मिल के दुश्मन हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के मुसलमानों के। तो लिहाजा हमारी दुआ भी ये है, जितनी भी ताकतें, इनके अरबाब इक्तदार, इनके ओहदेदार, इनकी पार्लियामेंट, जो पाकिस्तान के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह ताला उन सब को तबाह बर्बाद कर दे, और जो उनके आलाकार बनते हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे या इस मुल्क से उनको निकाल दे। अल्लाह ताला हमारी सब की दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। दुआ कीजिए,